मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल अपन देख पा रहे थे यहाँ सेल बायोलॉजी के अंदर, सेल जो बायोलॉजी अपन देख रहे थे, बायोलॉजी अपन देख रहे थे, उसमें अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी ले रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप लोगों ने देख रखी होगी। इसको क्या कैसी होती है? स्लीपर सर्व्ड होती है। स्लीपर का मतलब क्या होती है बेटा? चप्पल। क्या होती है? चप्पल होती है। तो ये चप्पलाकार कोशिकांग है, स्लीपर सर्व्ड सेल ऑर्गन है। और ये जो संरचना जो मैं बना रहा हूँ, इसकी कुछ बच्चे इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर बना देते हैं। भाई ये वाली जो बाहर है, तो ये बाह्य झिल्ली है, यानी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं। और ये जो अंदर वाली है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, यानी बोले तो क्या है, आंतरिक झिल्ली है। इंटरनल मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली। झिल्ली को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। फिर ये जो इस तरीके से खड्डी नुमा जो संरचना बना रही है, ये आंतरिक झिल्ली, इंटरनल मेम्ब्रेन पीट लाइक स्ट्रक्चर, या गर्त नुमा या खड्डे नुमा, या तो बोल सकते गर्त नुमा। ये गर्त नुमा जो संरचना है, ये गर्त नुमा संरचना है, इस संरचना को क्या बोले रे गजबा, इस संरचना को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? क्रिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्ट्री बोलते हैं। और इस क्रिस्ट्री के ऊपर, इस क्रिस्ट्री के ऊपर एक फिंगर लाइक, एक अंगुली नुमा संरचना, या यू कह सकते हैं एक रॉकेट नुमा, रॉकेट है ये, वो रॉकेट छोड़ने वाला नहीं है, रॉकेट मतलब जो चिड़ी बल्ला नहीं होता क्या, उसके समान संरचना है। इसमें तीन पार्ट है। एक पार्ट तो इसके आधार इस तरीके से झिल्ली के अंदर दसा हुआ है, दूसरा पार्ट ये बीच वाला हो गया, तीसरा पार्ट इसके ऊपर टोपी नुमा संरचना बना रहा है। जो पार्ट इस झिल्ली के अंदर है वो तो है आधारीकरण। क्या बोला रे मैंने? आधारीकरण बोल दिया। और जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो इसका एक्सल बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सलरीकरण या एक्सल कण। क्या बोलेंगे? एक्सल कण कहेंगे। और तीसरा जो इसके होगा, इसका हेड पार्ट होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? सीड्स कण। क्या बोलेंगे बेटा? सीड से कण बोलेंगे। इनको किस नामों से जानता है? बेसल बॉडी जो इसकी झिल्ली के अंदर दसी हुई होती है, आंतरिक झिल्ली के अंदर दसी हुई है, इस बेसल बॉडी को बोलते हैं एफ नोड या एफ जीरो कण। और ये जो एक्सेलरी होती है, इसे क्या बोलते हैं? एफ वन कण। क्या बोलते हैं बेटा? एफ वन कण बोलते हैं। और ये जो सीड्स कण होता है, यही काम की बात है, क्योंकि उसके माथे पे टिक्का नहीं है, माथे पे क्या है? ऑक्सीसोम। क्या है बेटा? ऑक्सीसोम है। ये ऑक्सीसोम नुमा क्या होती है? सोम। अरे बेटा, सोम शब्द आया है कहां से? सोमा से। बेटा कहां से आया है? सोमा से। और सोमा का मतलब होती है क्या बेटा? बॉडी रे। क्या होता है बॉडी? बॉडी को क्या बोल सकते हैं अपन? क्या होता है? शरीर। या क्या बोल सकता है? काय। ये सोमा शब्द के लिए लगता है। और ऑक्सी शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है रे गजवा? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन क्या करती है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन कोविड में क्या कर रही है बेटा? बहुत काम कर रही है कोविड में। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रही है? ऑक्सीकरण। अरे क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया गुरुजी। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन काम में आती है। O2 का उपयोग क्या होगा? O2 का उपयोग, कार्बन का दहन। कार्बन का क्या होगा बेटा? दहन होगा। कार्बन का दहन होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होगा, और क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण। क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण। इस ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? ATP बोले तो क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में होता है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस ऊर्जा निर्माण के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का क्या बोलते हैं बेटा? शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह बोलेंगे, शक्ति ग्रह बोलेंगे, कोशिका का शक्ति ग्रह।
या कोशिका की संचायक बैटरियां, तो पता चला कहां पे बनती है ऊर्जा। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर भरे हुए पदार्थों को, इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंदर भरे हुए पदार्थों को क्या बोले रे, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोले? मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी में बोले तो आधात्री, आधात्री। क्या बोलते हैं? आधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स या आधात्री। जो जितना भी मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स या आधात्री। इस आधात्री में क्या मौजूद होता है? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम के कण होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? राइबोसोम के, राइबोसोम के कण होते हैं, यानी राइबोसोम मौजूद होता है। आपने सुना होगा 70S राइबोसोम जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी 70S राइबोसोम यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला राइबोसोम मौजूद होता है। और यहाँ पे कुछ बुक्स में 55S लिखा तो वो भी राइट ही जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ डॉक्टर मात्रा में क्या मिलेगा बेटा, आनुवंशिक पदार्थ यानी DNA। क्या मिलेगा बेटा? DNA श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या मिला, लाइनर या श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या मिलेगा, DNA। DNA की उपस्थिति के कारण इसको बोलते हैं क्या, कोशिका का सेमीकंडक्टर सेल ऑर्गन ऑफ सेल, अर्ध स्वायत्त कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध स्वायत्त कोशिका। नाम तो सुना ही होगा अर्ध स्वायत्त कोशिका। अर्ध स्वायत्त का मतलब होता है आधा खुद का शासन, यानी नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण भी पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ऐसा कहना उचित होगा। ठीक है ना, अर्ध स्वायत्त यानी सेमीकंडक्टर सेल ऑर्गेन्स इसको बोलते हैं। और राइबोसोम की 70S राइबोसोम की मौजूदगी के कारण या यू कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका भी यहाँ पे बोला जा सकता है, तो वो भी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं। किसको रे बेटा? अपने प्यारे माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? अपने प्यारे माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं। और इन दोनों को, इन सब चीजों को देख करके नहीं लगता कि कोशिका के अंदर कह सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर्स हुई। आगे की स्ट्रक्चर्स और जानकारी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।